हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल में एक प्रॉब्लम आ गई है। इसमें जो 24 वोल्ट का कंट्रोलर यूज होता है तो वो मेरी एक छोटी सी गलती के कारण डैमेज हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपका भी कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर हमारा बैटरी और कंट्रोलर रखा हुआ, तो अभी हम इस बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर कंट्रोलर को देखते हैं। तो ये रहा हमारा बैटरी और इसके अंदर है हमारा कंट्रोलर। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डैमेज क्या हुआ है। तो कंट्रोलर की तरफ आप यहाँ पर देखिए, ये जो निशान आपको दिख रहा है वाइटिश, ये पूरा वायर पर भी आपको दिख रहा होगा, पूरे कंट्रोलर में ये आप देखिए। तो ये यहाँ पर मेरे कंट्रोलर में एक्सटर्नल डैमेज ही हुआ है, इसमें कोई इंटरनल डैमेज नहीं है। अभी भी कंट्रोलर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और ये जो डैमेज है वो अंदर तक नहीं गया है, सिर्फ इसके बाहर तक ही ये डैमेज हुआ था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप डैमेज दिख रहे हैं वो किस कारण से हुआ है और वो क्यों हुआ है। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में देखिए, यहाँ पे भी आपको वही वाइट वाला आपको पाउडर दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। इसके अंदर से बैटरी निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा दोनों लीड एसिड बैटरी जो कि अभी साइकिल में यूज हो रहा था। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो न्यू वाला बैटरी है ये जो रिप्लेस होके मिला था वो वाला है, और ये एक ओल्ड वाला बैटरी जो रिप्लेस नहीं हुआ था वो वाला ही लगा हुआ है। मैंने ये न्यू वाला इसलिए लगाया क्योंकि जो HBL वाला हमने रिपेयर किया था ये UPS का था, तो इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था। जब ये दोनों बैटरी साइकिल में लगी हुई थी तो 4-5 किलोमीटर ही साइकिल चल पा रहा था, जिसके चलते मैंने 4-5 दिन बाद ही ये बैटरी हटा के ये बैटरी लगा दिया था और अभी तक ये अच्छे से यूज हो रहा है। और यहाँ पर हमारा कंट्रोलर बाहर से डैमेज होने का मेन रीज़न ये दोनों बैटरीज हैं, क्योंकि जब हमने इन दोनों बैटरीज को रिपेयर की थी तो इसका जो कैप है वो अच्छे से लॉक ले लिया था, आप उस वीडियो में देख चुके होंगे। लेकिन ये जो HBL वाला है इसका कैप टूटा हुआ निकला था, जिसके चलते जब मैंने इसको कवर किया तो अच्छे से कवर नहीं हुआ, और फिर जब मैंने इन दोनों बैटरीज़ को साइकिल में लगा के चार्ज किया तो इन दोनों बैटरीज़ में से इस बैटरी से जो डिस्टिल वाटर है वो अंदर से केमिकल रिएक्ट होके बाहर आया और हमारे कंट्रोलर पे पड़ गया था, जिससे हमारा कंट्रोलर का ऊपर का बॉडी गल गया, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी दो गलती थी। पहली तो ये कि मैंने बैटरी को रिपेयर करने टाइम इसमें एक्सेस डिस्टिल वाटर फिल कर दिया था, जिसके चलते वो बाहर आया, और दूसरा ये कि मैं अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में दोनों बैटरीज लगती है उसको सुला के रखता हूँ, जिसके चलते HBL वाले से आसानी से डिस्टिल वाटर बाहर आ गया और फिर हमारे कंट्रोलर पे ये लगा और फिर कंट्रोलर डैमेज हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बैटरी रिपेयर करते हैं तो वो अच्छे से चलता तो है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाला बैटरी अच्छे से चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आप उसमें एक्सेस डिस्टिल वाटर मत डालिएगा और उसके कवर को अच्छे से पैक कीजिएगा, और बैटरी को रिपेयर करने के बाद खड़ा ही रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। इसमें स्पेस कम था तो मैंने इसको सुला के रखा, और इसमें कंट्रोलर भी यहीं पर लगा हुआ होता था, जिसके चलते ईज़िली जो बैटरी से डिस्टिल वाटर इसमें चला गया। और आप कंट्रोलर को भी प्लास्टिक से ढक सकते हैं, जिससे अगर आप बैटरी रिपेयर भी कर दे और उससे डिस्टिल वाटर बाहर भी आ गया तो वो कंट्रोलर तक ना पहुंच पाए। तो आप बैटरी को अच्छे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये UPS वाला था इसलिए ज़्यादा यूज़
इसमें माइलेज नहीं मिल पाया। वो क्यों नहीं मिला वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन ये वाला बैटरी अच्छे से चल रहा है तो आप इजीली उसको रिपेयर करके यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि आपका बैटरी और कंट्रोलर और बाकी इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो। आपको यहाँ पर कंट्रोलर का एक्सटर्नल डैमेज ही हुआ है, इंटरनल डैमेज नहीं हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा कंट्रोलर से साइकिल चल पा रहा है। यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ और आपको मैं ये चला के दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर और अब आप साइकिल को चलते हुए देख सकते हैं। ये देखिए साइकिल अभी भी अच्छे से चल रहा है क्योंकि हमारा कंट्रोलर बाहर से ही डैमेज हुआ है। अगर कुछ दिन और मैं ये बैटरी इसमें छोड़ देता तो ये कंट्रोलर अंदर से भी डैमेज हो सकता, तो अभी ये सिर्फ बाहर से ही डैमेज हुआ है। इसके रस्ट को हम अभी हटा भी सकते हैं। तो अभी मैं इसके रस्ट को भी हटा देता हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा रिएक्ट ना करे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इससे जो लीड एसिड बैटरी से डिस्टिल वाटर निकला उसके चलते ये किस प्रकार से डैमेज हो गया था। अगर ये 2-3 दिन और साइकिल में लगा रहता पुराने बैटरी के साथ तो इसमें और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता था। अभी इसमें कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ बाहर से ही डैमेज हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता देना अच्छा समझा ताकि आप ऐसा गलती ना करें। तो अभी हमारा कंट्रोलर बस थोड़ा सा ऊपर से इसका बॉडी डैमेज हुआ है, बाकी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही ई बाइक से रिलेटेड टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। अरे यार आ जा नीचे से ऐसे ऐसे पकड़ो, दबा के पकड़ो। बड़ी भारी है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सह लो ने। 4 किलो खाइए। 4 किलो गए पापा। रुक जा, बस हो गया, कहाँ फंसा। पापा पंचर अगला।